हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडल एक्सपर्ट चैनल। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि हम गूगल एडमॉप अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो मैंने नोटपैड में कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट से समझाता हूँ कि आप गूगल एडमॉप को प्रिवेंट होने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सेल्फ क्लिक। तो देखो, आपको अपने ही एड्स पे खुद क्लिक नहीं करना है। अगर आप खुद सेल्फ क्लिक करते हो तो आपका एडमॉप अकाउंट 100% सस्पेंड हो जाएगा। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हैं एंड जब हम इम्यूलेटर में अपने ही ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, तब भी आपको एड्स लिमिट आ सकते हैं या फिर सेल्फ क्लिक हो सकता है, जैसे हम एड्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम ऐप्स को रन करके देखते हैं हमारे डिवाइस में टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, एंड कभी कभी हम खुद के ये एड्स खुद ही देख लेते हैं, इससे भी आपको सेल्फ क्लिक में आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, आपको टेस्ट आईडी यूज़ करना है, ना कि आपको रियल आईडी यूज़ करना है। अगर आप रियल आईडी यूज़ करते हो एंड खुद के एड्स खुद ही देख लेते हो, तब भी आपका एडमॉप अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कॉपीराइट कंटेंट। आपको किसी का भी कंटेंट यूज नहीं करना है। जैसे अपने एप्स में आप किसी के भी अदर्स वीडियो यूज नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी के भी कॉपीराइट कंटेंट को यूज करते हो तब भी आपका एडमॉप अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, कोई हमारा वीडियो से रिलेटेड एप्स है एंड हम किसी भी वेबसाइट से यूज कर रहे हैं किसी भी वीडियो को, एंड वो बंदा हमारे इसमें कॉपीराइट दे देता है, तो हमारा डायरेक्ट एडमॉप अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसलिए आपको कॉपीराइट कंटेंट की तरफ ध्यान देना है। अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यूज ओनली वन गूगल अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, बहुत सारे एडमॉप अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। अगर आप मोस्ट ऑफ द गूगल एडमॉप अकाउंट को यूज करोगे एक ही डिवाइस से या फिर मल्टीपल भी डिवाइस से, मल्टीपल आप गूगल एडमॉप अकाउंट क्रिएट करोगे, तब भी आपका एडमॉप अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ओनली यूज वन गूगल एडमॉप अकाउंट। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डू नॉट यूज डायरेक्ट अर्निंग। आप ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्ट आपके एप्स में कि इससे आप डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हो। आप अपने यूजर्स को कॉइन्स दे सकते हो एंड उसके बाद आप विड्रॉ का ऑप्शन दे सकते हो। अगर आप उनको डायरेक्ट विड्रॉ का ऑप्शन दोगे तब भी आपका एडमॉप अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। आपको उनको कॉइन्स के फॉर्म में देना है एंड उस कॉइन्स को आप रेटिंग में या फिर जो भी आपका मनी रहेगा उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अभी हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, डू नॉट यूज वीपीएन। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ क्लिक कर रहे हैं, मीन्स खुद के ही एड्स पे खुद क्लिक कर रहे हैं वीपीएन यूज करके। उनको लगता है वीपीएन से हम सेल्फ क्लिक कर सकते हैं एंड अर्निंग कर सकते हैं। तो देखो, पहले गूगल प्ले स्टोर पे ये सब चलता था, मीन्स गूगल प्ले कंसोल अकाउंट टर्मिनेट नहीं होता था। अगर आप गलती से सेल्फ क्लिक कर देते हो वीपीएन यूज करके, तब आपका गूगल प्ले कंसोल अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाएगा एंड एडमॉक अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, वीपीएन को तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। तो आई होप गाइस, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया गूगल एडमॉक को सस्पेंड होने से बचाने के लिए, वो आपको समझ में आओगे। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप गूगल एडमॉक अकाउंट को बचा सकते हो। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे, एक भी पॉइंट्स को आप मिस यूज करोगे, तो आपका एडमॉक अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल इंट्रो को भी दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तब भी आप तक जल्दी से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।